our channel Mapita Gyan. Students, today I will teach you subject science. And subject science में topic है अपना chemical reaction. Okay students, क्या रहेगा topic? Chemical reaction. तो students आप लोगों ने पहले reaction के बारे में पढ़ा होगा. जो reaction होती है वो two type की होती है. How many types of reaction? Two types. एक होती है physical reaction, एक होती है chemical reaction. अब फिजिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें कोई चेंज नहीं होता है, और अगर चेंज होता है तो वापस उसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. लाइक वाटर का आइस बनना, आइस से वाटर बनना, वुड का पाउडर जो होता है, फिर वहां से चल के चौक जो होता है उसका पाउडर. तो क्या होता है, इनको वापस हम कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक वुड है तो वुड को जोड़ के हम उसको वापस वुड बनाया जा सकता है. चौक का चूरा है उसको भी बांध सकते हैं. एंड जो आइस होता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो ये होते हैं फिजिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स. जो फिजिकल, मैंने अभी आपको बताया कि जो फिजिकल रिएक्शन होती है उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बट नाम की चेंज होती है, दैट्स व्हाई. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रहेगा केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें चेंज तो हो जाता है, बट वो चेंज क्या होता है, परमानेंटली चेंज हो जाता है. लाइक बारिश के दिनों में हम बाहर रहते हैं बारिश के दिनों में, तो आयरन पर जंग लग जाती है. क्या लग जाती है? रस्ट हो जाती है आयरन पर. तो वो रस्ट क्यों हो जाती है? बिकॉज जो आयरन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो वो ब्राउन कलर की लेयर में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स. सेम यही हम एप्पल में भी देख सकते हैं. एप्पल जब हम घर में कट करके रखते हैं तो उसपे भी ब्राउनिश कलर की एक लेयर आ जाती है. तो वो लेयर क्यों होती है? क्योंकि एप्पल जो होता है उसमें आयरन होता है, तो वो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे मिलकर वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए उसके ऊपर भी क्या हो जाती है, लेयर आ जाती है. लाइक कॉपर के जो घर में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें भी ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है स्टूडेंट्स. तो ये क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं. लाइक कर्ड, मिल्क से कर्ड बन जाता है. तो हम कर्ड से मिल्क बना सकते हैं क्या? नो स्टूडेंट्स, बट परमानेंटली चेंज हो गया. उसी टाइप से अपन जब आग लगाते हैं, मतलब जो कोल होता है, कोयला होता है, उसको जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो भी काय में कन्वर्ट होता है, जल के राख हो जाता है. मींस उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी उसमें भी चेंज हो गया. तो इस टाइप के चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स. तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ. हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स. द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो, टू या टू से ज्यादा, मतलब टू या मोर क्या रहते हैं, सब्सटेंस होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं. क्या होते हैं? कंबाइन टू फ्रॉम न्यू सब्सटेंस. लाइक मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो गया वॉटर में. काय में कन्वर्ट हो गया? वॉटर में. लाइक मैंने कोल, मतलब की कार्बन था उसमें, उसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सी प्लस ओ, ओ टू, तो क्या बन गया, सीओ टू, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई. तो इस टाइप से उनका जो टू सब्सटेंस थे तो वो नया सब्सटेंस बना लिया. तो इस टाइप के सब्सटेंस को या फिर इस टाइप के चेंजेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स. क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन. अगेन देखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फ्रॉम न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो क्या होगा, एग्जाम्पल लाइक मैंने यहां पर राइट किया एच टू प्लस ओ टू. ओके स्टूडेंट्स, तो जब एच टू ओ टू से रिएक्शन करेगा, जब हम एच टू और ओ टू को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो सब्सटेंस होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, H2O. क्या मिल जाएगा हमको? H2O. H2O किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? वाटर का. किसका फॉर्मूला होता है H2O? वाटर का स्टूडेंट्स. अब
ये तो सही हो गया कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो H2O बन गया। मैंने अभी कार्बन का एग्जांपल दिया था, कार्बन प्लस O2 मींस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CO2। कार्बन जो पूर्ण होता है उसमें कार्बन होता है, एंड एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसकी प्रेजेंस में वो जला बर्न हुआ, तो कौन सी गैस मिली हमको, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स। तो ये हो गया चेंज। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल चेंज तो हो गया है, में बदलाव भी हो गया, बट यहाँ पर ये चेंज हुआ इसको क्या बोलेंगे, फिर जो आया उसको क्या बोलेंगे, मीन जब हम गुणा भाग करते तो आंसर आता ना उससे टाइप से, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा H2O, मतलब कि जब एरो के इधर, एरो के इस साइड वाले मींस में ऐसे खड़ी हूं तो मेरे राइट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट, मतलब कि जो रिएक्ट होते हैं आपस में उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। मींस एरो के पहले जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट, क्या कहा जाता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्शन, मींस ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल की रिएक्शन होने में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं पार्टिसिपेट। लाइक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया H2+O, तो हमको क्या मिला वॉटर H2O, C+O2, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो मींस यहां पर जो रहता है इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट। एंड जो हमको रिएक्टेंट होने के बाद जो अपने को मटेरियल मिलता है या जो भी सब्सटेंस मिलता है उसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं, बनते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, क्या कहा जाता है प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया, इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बदलाव, चेंजेस स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, वहां बहुत सारा राइट था तो मैं अभी एक बार और क्लियर समझाने वाली स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की बात कर रहे थे हम, तो मींस जब एरो के पहले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट, क्या कहा जाता है रिएक्टेंट। लाइक यहाँ पे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट, क्या हो गए स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट। एंड एरो के आफ्टर, एरो के बाद जो प्रोडक्ट होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस मिलता है हमको, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए, इनमें रिएक्शन हुई, तो ये बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड मींस वाटर। तो ये क्या मिला हमको स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, मींस एरो के पहले जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, एंड एरो के आफ्टर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है, व्हेन केमिकल रिएक्शन, तो क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, मींस जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या चेंजेस होता है, क्या डिफरेंट दिखाई देने लगता है स्टूडेंट्स, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा चेंज इन स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बात करेंगे हम चेंज इन स्टेट, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो स्टेट होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइक मिल्क था तो मिल्क से काय में कन्वर्ट हो गया, वो काय में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, कर्ड में। उसी टाइप से चेंज इन कलर, नेक्स्ट क्या आएगा, चेंज इन कलर। लाइक आयरन, आयरन था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो आयरन ऑक्साइड में, मींस उसके कलर में डिफरेंट हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। उसी टाइप से नेक्स्ट आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन गैस मतलब कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अमोनिया को जब हम गर्म किया जाएगा या फिर उसमें कोई चेंज किया जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम गैस निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कोयले को बर्न करेंगे तो क्या निकलेगी, गैस निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि जो चूना होता है उसमें हम वाटर को करेंगे तो उसमें से भी गैस निकल जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि जब कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। लाइक हम किसी चीज को हीट करेंगे
तो केमिकल सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंजेस हो जाएगा। तो यही है केमिकल रिएक्शन की टेक प्लेस, मतलब कि उनमें जो चेंजेस होते हैं वो रहेंगे। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड व्हाट अगर चेंज इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो फाइव टाइप्स की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फाइव टाइप्स। वन रहेगा कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में भी पता करने वाले हैं। अगर आपको भी समझना है, आपको भी पता करना है, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देती रहिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो फाइव टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, जो किसी से कंबाइन हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, ऐसी रिएक्शन जो कंबाइन हो जाती है उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा है द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो टू वन टू या थ्री, कोई से भी कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, कंबाइन करती है। वन टू थ्री रिएक्टेंट के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं वन टू या मोर भी हो सकते हैं, और जब प्रोडक्ट बनता है तो कैसा होता है स्टूडेंट्स, सिंगल होता है। क्या रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। लाइक मैंने मैथ्स की उसमें समझाया मेथड में कि x प्लस y, तो जब x और y आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, x y, मींस रिएक्टेंट कौन था, x और y था, एंड प्रोडक्ट क्या मिला हमको, x y स्टूडेंट्स। उसी टाइप से H2 प्लस O इक्वल टू H2O, क्या मिला हमको, वॉटर। H प्लस टू, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गए तो प्रोडक्ट क्या मिला स्टूडेंट्स, H2O। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें क्या हुआ, कंबाइन हुए थे, अब इसमें कंबाइन जो हुआ था वो क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको कहा जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्या कहा जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होता है, क्या रहता है, सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या रहे थे, टू रिएक्टेंट रहे थे, टू और मोर, इसमें क्या रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट रहेगा जो कि काय में डिवाइड हो जाएगा, टू और मोर रिएक्टेंट में। अगेन देखेंगे द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इंटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई था, एक्स वाई, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, रिएक्टेंट। जब इस रिएक्टेंट को अलग पार्ट में, मतलब डीकम्पोजिशन की रिएक्शन में, जब ये रिएक्टेंट आपस में वो करेंगे सब्सटेंस, वो टूट जाएंगे, तो क्या टूटेगा, x प्लस वाई स्टूडेंट्स, काय में डिवाइड हो जाएगा, x y से x प्लस वाई, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, x प्लस वाई स्टूडेंट्स। इसी टाइप से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग टूटेगा तो रिएक्टेंट क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग पार्ट में हो जाएगा तो CaO प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CO2, प्रोडक्ट क्या मिला, CaO प्लस CO2 स्टूडेंट्स। आई बस समझ में, तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड
डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो हमारी टू टाइप्स की रिएक्शन हो चुकी है, नेक्स्ट हम थर्ड देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड रिएक्शन रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स किसी अनादर रिएक्टेंट की या फिर अनादर एलिमेंट्स की प्लेस अनादर एलिमेंट ले लेता है, तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो डिस्प्लेस कर लेते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखेंगे हम, लाइक एक्स, जो एक्स है वो क्या है, रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, एंड वाई जेड क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, तो जब एक्स वाई जेड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट कर मतलब रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड। आया समझ में स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल और देखेंगे, जेड एन प्लस यूएसओ फोर, मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हम मिलाएंगे रिएक्टेंट करेंगे, तो जिंक जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, मोर रिएक्टिव होता है, एंड CuSO4 क्या होता है, लेस रिएक्टिव। तो जब इनकी रिएक्शन होगी आपस में तो क्या बनेगा, ZnSO4 plus Cu, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई बात समझ में? नेक्स्ट आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज्ड, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट के किसी सब्सटेंस के आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट विच फॉर्म्ड अ न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लाइक यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड ए, एक्स वाई और जेड ए यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए, तो क्या मिला हमको, एक्स जेड और वाई ए हो गया। आया स्टूडेंट्स, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, बेरियम Ba क्या हो जाएगा, Na। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा, BaSO4 means जब इसके साथ हो जाएगा ये इसकी प्लेस लेगा, तो यहाँ पर रहेगा BaSO4 plus क्या मिला हमको, NaCl, NaCl salt। आया समझ में स्टूडेंट्स? लास्ट एंड फिफ्थ हमारी रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट एंड फिफ्थ रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सब्सटेंस, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एड हो जाती है, एंड हाइड्रोजन क्या हो जाती है, वहां से रिमूव्ड हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन एड होगी एंड हाइड्रोजन रिमूव्ड होगी उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लाइक एग्जांपल हम देखेंगे, 2Cu+ ऑक्सीजन, कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया हमने तो क्या बना, 2CuO, क्या बना स्टूडेंट, 2CuO। नेक्स्ट आएगा रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है स्टूडेंट्स, रिमूव्ड हो रही है, एंड हाइड्रोजन इज एडेड और उसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है स्टूडेंट्स, एड हो रही है, आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन।
अगेन देखेंगे रिडक्शन में क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव्ड होगी एंड हाइड्रोजन क्या होगी स्टूडेंट एड होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। CuO plus H2, CuO plus H2 तो क्या बनेगा Cu, Cu, CuO को हाइड्रोजन मतलब गर्म करेंगे तो Cu plus क्या मिला H2O। आई समझ में स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आज मैंने आपको सारे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।